कि मैं यहां से भरतपुर वाली सीख जाऊंगा। अरे हैजा खड़ो, हैजा छोड़ो, तुम डंडा रखियो। नहीं मैं जाकर तो मुझे डर लगे तुम तीन। ले मैं बता पाल, ये तो मोटो सर, मैं सब चीजें कर लूंगा, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत ना है। या चीजें तो एक्सपीरियंस है थोड़ा गनो, बस तुम बैठ जाओ। बस बस बैठ जाता हूँ। या सीधो लगा मैं कुछ तुम यूं। अरे ऐसा उल्टा होता है बेटी का बापू। तुमने भी ऐसी लगाओ, बैठो तुम, देखो। हाँ आ जा। राम राम भैया, बोल के राज महाराज की जय। अच्छा तो मैं डीग जिले के बारे में बता दूं। इसके बारे में, डीग जिले के बारे में, डीग जिले ऐसे बता दे। तो भैया हाँ, डी मैं हूँ डीग जिले से, मेरा नाम है गजेंद्र कुमार सैनी, ठीक है ना। बात करते हैं डीग, डीग का नहीं, तुमने गजेंद्र कुमार सैनी बताया क्यों, शादी करना चाहता है ना? शादी तो साहब करना चाह भाई साहब। भाई एक स्त्री एक पुरुष, अरे तू चपरे चाचा, एक स्त्री और एक पुरुष, भाई दो ही जेंडर ज्यादातर, तो और तो नगण्य 1%। तो शादी तो सब करें, वो नहीं करना चाहता। अब बाकी स्थिति हमने खा पतो कैसी। देखो तो अरे दीवार पे डॉक्टर आज दो गुरुवार मिले। देखो तो बात करते हैं, मैं डीग जिले से हूँ, डीग का प्राचीन नाम बात करते हैं तो दुर्गापुर है। क्या है? दुर्गापुर। तो बात करते हैं मैं डीग जिले का निकनेम या उपनाम, फुब्बारों की नगरी, जल महलों की नगरी, ठीक है ना, याद हो गया ना सभी को, जल महलों की नगरी और फुब्बारों की नगरी। अब बात करते हैं डीग जल महलों की स्थापना किसने की थी, की थी हमारे महाराजा बदन सिंह ने। किसने? बदन सिंह ने। जबकि डीग के किलों का निर्माण करवाया था राज। महलों का निर्माण बदन सिंह, जल महलों का सूरजमल। नहीं 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 नहीं, किले का नहीं, किले किले का सूरजमल ने करवाया था, जल महलों का सूरजमल ने कराया था। तो कोई बात नहीं, दे लंदे भाई। चलो सीखो तो सही कछु। हाँ तो बात करती है दो, तू कहीं हुआ हो भाई, ठीक है ये बात है को। और गंगा दशहरा मेला कामा डीग, ठीक है, भोजन थाली मेला कामा डीग। भोजन थाली मेला क्यों पड़ता है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर खाना खाया था, वहां पे एक कटोरा रखा हुआ है, उसी की पूजा होती है, ठीक है ना। और कहा है साहब याद, हाँ डीग जल महलों में एक गोपाल भवन है, वो डीग का सबसे बड़ा भवन है। लाखा तू अब तेरे घर में रखी हुई ना, रखी झूठ बोल लो तू कहीं। और कछु और अब ना इनको जो सावन का महीना है और भाद्रपद का महीना है उनके बारे में बता। ऐसे पूछो साहब, सावन में कैसे तुम पूछे ना। अच्छा बता देगा, छोटी तीज किस महीने में आती है? छोटी तीज, छोटी तीज उसमें सावन में आती है और कृष्ण पक्ष के तृतीय, नहीं हाँ शुक्ल पक्ष के तृतीय में बड़ी तीज है वो, बड़ी तीज बड़ा महा वो महीना। नहीं थोड़ा थोड़ा याद है, गुरुदेव पढ़ना आ रहा हूँ मम्मी कसम का कह रहा हूँ। क्यों इधर रनिंग चल रही है आइटम दिल्ली राजस्थान पुलिस की, देखो यहाँ। चलो ये बता तू दशहरा कब मनाया जाता है? दशहरा मनाया जाए भैया, एक तो खेजड़ी वृक्ष की पूजा हो दशहरा को, गुरुदेव सही बताओ। और बात करते आश्विन दशमी को शायद, और यही दिना दशहरा को तेजा दशमी मनाई जाए। गुरुदेव सही है, सही तो है नहीं है? और तेजा दसवी भाद्रपद में है, दशहरा आश्विन में है, कोई बात। चलो सीखो और पूछो। और कहा पूछे तेरे से, कछु ना आ रो तेरे को। ए वीडियो में हिंदी मत करो, मम्मी गाली देगी। और कछु जयकारो ही लगा दू? ना ना जयकारा नहीं लगाना, पूरा दिन जयकारा तो भाई पटा। ठीक है तो गुरुदेव जाऊं। हाँ जा।